हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो गुड फील नहीं करता है। आप सब लोगों को कब्ज का एक्सपीरियंस हुआ ही होगा, हर इंसान को अपनी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन का एक्सपीरियंस होता है। तो आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में कम्प्लीटली चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, जिसे आयुर्वेद में मलबद्धता, विबंध या तो विष्टब्द जीर्ण कहा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से वायु के जो पांच प्रकार होते हैं उसमें से जो अपान वायु होता है, अपान वायु की दृष्टि की वजह से यानी कि अपान वायु की जो कार्य करने की जो क्षमता है, उसकी जो वर्किंग पैटर्न है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आने की वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, ज्यादातर वो पेशेंट माइग्रेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी सफर करते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है। कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है वो जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा अपान वायु डिस्टर्ब होता है, तो अपान वायु के डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हमारे दो इंटेस्टाइन होते हैं, दो आंत होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। हमारा जो बड़ी आंत है उसका जो एंड पार्ट है उसे रेक्टम कहा जाता है, और अपान वायु की विगुणता की वजह से जो रेक्टम का पार्ट है वो सिकुड़ जाता है। उसकी वजह से जो मल बड़े आंत में गया हुआ है वो मल आगे की ओर पास नहीं होता है और वहां पे रुक जाता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। और दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा डिसीज है जिसको अगर हम हल्के में लेंगे, उसको हम छोटा समझेंगे, तो ये बहुत बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि हमारी बॉडी के चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि शरीर का जो कचरा है, शरीर का जो एक्सट्रैक्ट है, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारी बड़ी आंत में जमा रहता है और वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे ये हमारा शरीर का जो कचरा है, ये शरीर से जब बाहर नहीं निकल पाता, उसका एक मेन रीजन हम देखने जाए तो वो हमारी बड़ी आंत की जो क्रियाशीलता है उसकी कमी, यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है उसकी कमी उसका एक कारण होता है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होने के क्या क्या कारण है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होने का जो कारण है वो लैक ऑफ बोवेल मूवमेंट, यानी कि हमारी आंतड़ियों की जो मूवमेंट है उसका, उसमें कमी आ जाना, यानी कि उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके बाद जो लोग ज्यादा ड्राई खाना या तो ज्यादा हल्का खाना यानी कि ड्राई स्नैक्स है वो ज्यादा सूखा खाना ज्यादा खाते हैं या तो लाइट फूड ज्यादा खाते हैं, वैसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि ड्राइनेस बढ़ने की वजह से वैसा खाना उनके इंटेस्टाइन में, उनकी आंतड़ियों में चिपक जाता है, उसकी वजह से वो खाना आगे नहीं बढ़ पाता और लैक ऑफ बोवेल मूवमेंट की वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो बहुत ज्यादा एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट खाने की वजह से भी होता है। ज्यादा बाहर का चटपटा और मसालेदार खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों के खुराक में मैदा और ब्रेड का इंटेक ज्यादा होता है, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होने की शिकायत ज्यादा हो सकती है। जो लोग रात को देर रात तक जागते हैं, लेट नाइट स्लीप करते हैं, रात को 1 बजे 2-2 बजे तक जो लोग जागते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा ट्रैवलिंग करने वालों को कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग पानी का इंटेक कम करते हैं, लेस वाटर इंटेक होता है, दिन में बहुत कम पानी पीते हैं। जनरली एक इंसान को पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी का इंटेक करना चाहिए, लेकिन जो लोग कम पानी पीते हैं, 1 से 2 लीटर पानी का कंजप्शन करते हैं, तो उनका मल जो है वो आंतड़ियों में आगे पास नहीं हो पाता और लैक ऑफ बोवेल मूवमेंट की वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता हुआ देखा जाता है। उसके बाद जो लोग हाई सनलाइट में, हेवी सनलाइट में ज्यादा काम करते हैं, उनको ओवर परस्पिरेशन होने की वजह से उनका मल जो है वो आंतड़ियों में सूख जाता है और उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके बाद जो पार्किंसन जैसे डिसीज से पीड़ित होते हैं, वैसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। लॉन्ग टर्म एंटासिड्स यानी कि एसिडिटी की दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने की वजह से कब्ज हो सकता है। डिप्रेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां, माइग्रेन जैसी बीमारी में कॉन्स्टिपेशन एक मेन कॉज होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसकी वजह से हमारा कोलोन का बोवेल मूवमेंट कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और जिन लोगों को कोलोन कैंसर जैसी, आंतड़ियों के कैंसर जैसी बीमारियां होती है, वैसे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रहता है।
तो दोस्तों जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि कब्ज की शिकायत लंबे समय तक रहती है, तो मल के पास ना होने की वजह से और मल का बिल्कुल हार्ड हो जाने की वजह से जब वो पास होता है, तो हमारे जो गुदा का जो भाग है, रेक्टम का जो एंड पार्ट है, वहां पे फिशर हो जाते हैं, यानी कि चीरे पड़ जाते हैं और वहां से ब्लीडिंग भी हो सकता है। उसके अलावा पाइल्स भी हो जाते हैं, हेमरॉइड्स भी हो सकते हैं, पेट भरा भरा सा रहता है, पेट में गैस ब्लॉटिंग रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से वायु जो सर पे चढ़ जाता है तो हेडेक यानी कि सर दर्द की शिकायत रहती है और कमर दर्द भी होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो अपान वायु का पास नहीं होने की वजह से सर दर्द कमर दर्द भी होते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों ये सारे मैंने आपको रीजंस बताए कि कॉन्स्टिपेशन किस तरह से होता है और कौन कौन से ऐसे कारण है कि जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अब मैं आपको कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट क्या है। जो लोग कब्ज से पीड़ित हैं उन लोगों को इंटरनल स्नेहपान करने का आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उन लोगों को गाय का घी या तो सुकुमार घृत एक आयुर्वेदिक दवाई है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आप गाय के घी का 5 से 10 ml गर्म करके उसका सेवन आप इंटरनली कर सकते हैं, और एक्सटर्नली आपको महानारायण तेल को गर्म करके नाभि के आसपास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करना है। वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन में, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल आपको स्नेहन करना है, ओलिएशन करना है। स्नेहन करने से आपका मल जो है वो सॉफ्ट होके निकल जाएगा। उसके अलावा आप कैस्टर ऑयल की बस्ती ले सकते हैं, बस्ती का मतलब होता है एनिमा। आप कैस्टर ऑयल का एनिमा भी ले सकते हैं, 20-30 ml कैस्टर ऑयल का एनिमा, वार्म कैस्टर ऑयल का एनिमा लेने से भी आपका मोशन अच्छे से पास हो सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो उसका सेवन कर सकते हैं। सबसे पहली आयुर्वेदिक दवाई मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसका नाम है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधि है, जिसका आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच या तो रात को सोते वक्त उसका आप सेवन कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को ज्यादा हार्ड स्टूल पास होता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन में प्रेशर नहीं आता है, कुछ लोगों को हार्ड स्टूल पास होता है, जिन लोगों को हार्ड स्टूल पास होने की तकलीफ है उनको एरंड बुष्ट हरितकी चूर्ण या तो एरंड बुष्ट हरितकी टेबलेट का सेवन रात को सोते वक्त या तो सुबह खाली पेट करने से कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा होते हुए देखा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो कुछ चीजों को आपको अपनाना है, जैसे कि योगा या तो एक्सरसाइज आप रेगुलर करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना बिल्कुल कम कर दीजिए, मिल्क और मिल्क के साथ की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, मैदा है, ब्रेड है, ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। अपने फूड में हाई फाइबर डाइट का समावेश करें। हाई फाइबर डाइट मतलब कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सारे फ्रूट्स हैं, ये हाई फाइबर्स होते हैं, इनका आप सेवन करेंगे। आप केला खाएंगे वो हाई फाइबर में आएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाई फाइबर में आएंगे, कस्टर्ड एप्पल खाएंगे तो वो हाई फाइबर में आएगा। उनका सेवन करने से ज्यादा फाइबर बॉडी को मिलने की वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी बॉयल मूवमेंट बढ़ती है और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है वो चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल कम कर दे, अगर हो सके तो उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दे, और पानी का इंटेक कम से कम 3 से 4 लीटर पूरे दिन में करें। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ चीजें हमें हमारी लाइफ में करनी है। उसके अलावा आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा में 2 ऐसी चिकित्साएं हैं जो हम करवा सकते हैं। सबसे पहली चिकित्सा है विरेचन। आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके विरेचन करवा सकते हैं। विरेचन एक आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत शोधन पद्धति में आता है। आप विरेचन करवा के भी अपने कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बस्ती चिकित्सा। बस्ती आयुर्वेद की बेहतरीन चिकित्सा है और कॉन्स्टिपेशन वायु का डिसीज है, अपान वायु का डिसीज है, और वायु के तमाम रोगों की चिकित्सा बस्ती को बताया गया है। बस्ती चिकित्सा का 8 दिन का कोर्स करके भी आप अपने वायु को, अपान वायु को करेक्ट करके कॉन्स्टिपेशन में से आप बिल्कुल भी बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज कुछ कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया। आप अगर हमसे कांटेक्ट करके अपने डिसीज की ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेकर भी कॉन्स्टिपेशन जैसे डिसीज से क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जरूर मिलेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। दोस्तों अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।